गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी गैलरी। आज हम पढ़ने वाले क्रैब साइकिल। तो इससे पढ़ने से पहले मैं एक जनरल एक ओवरव्यू देता हूँ, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा और क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें देखा था ग्लूकोज का कन्वर्जन टू मोलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में, किस किस स्टेप में एटीपी की का कंजप्शन हो रहा था और किस किस स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। और वहां पर की प्रोडक्ट क्या बना था ग्लाइकोलाइसिस का, पाइरुविक एसिड, क्या बना था पाइरुविक एसिड जो बन रहा था किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, ये बन रहा था। तो हम देखेंगे अभी पाइरुविक एसिड बन तो गया ग्लाइकोलाइसिस से, अब इसके बाद इसका होता क्या, बेसिकली सब फ्यूचर देखेंगे, फेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, क्या देखेंगे, फेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फेट ऑफ सॉरी पाइरुविक एसिड, ठीक है, पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड का ये बेसिकली दो दो प्रोसेस में जाता है, किसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है और किसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एनएरोबिक और किसमें एरोबिक, ठीक है, ये दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, एज ए रिएक्टेंट यूज होता है पाइरुविक एसिड इन दोनों प्रोसेस में, किसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब पहले ही पढ़ लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें दो प्रोसेस होती हैं, इसके अंदर भी फर्दर डिवाइडेड होता है, इसमें होती है एक तो लैक्टेट फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन, और दूसरा क्या होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, ये दो चीज होती है। पहले बात कर लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इसमें क्या फॉर्मेशन, क्या किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, लैक्टिक एसिड है, क्या पाइरुविक एसिड रिएक्टेंट यूज होगा इस फर्मेंटेशन में, ठीक है, और फॉर्मेशन किसका होगा, किसका, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पाइरुविक एसिड है, ठीक है, पाइरुविक एसिड, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ये बेसिकली जो कन्वर्जन है एक एंजाइम कराती है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। बात कर लेते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, इसमें क्या होता है, हमारे पास पाइरुविक एसिड एज रिएक्टेंट यूज होता है, ठीक है, और वो फट से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहां पर क्या हो, पाइरुविक एसिड, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनॉल में, ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2 निकलती है, यहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड तो बनता है वाटर में निकलता है, ठीक है, क्या हुआ यहां पर, इथेनॉल बनी CO2 निकली, ये जो बेसिकली कन्वर्जन है एक एंजाइम पर आती है, बेसिकली दो एंजाइम होती है पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, दो एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, किसमें, एक तो आती है पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, अगेन डीकार्बोक्सिलेज नाम से पता लग रहा है क्या, CO2 रिलीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, दो एंजाइम यूज होते हैं। जो लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है ये कुछ बैक्टीरिया में होता है और एनिमल सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स की स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है बेसिकली, ठीक है, किसके अंदर होता है, सम बैक्टीरिया और कुछ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर होता है उनकी बेसिकली स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है, स्केलेटल मसल, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये किसके अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है, साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्वेसे, ठीक है, इसमें होता है यीस्ट में, ठीक है, यीस्ट भी दो प्रकार की होती है, ब्रूअरीज जो ब्रूअर इंडस्ट्री में होती है ब्रूअरीज बोलते हैं उसे, और जो बेकर इंडस्ट्री में यूज होती है उसे बोलते हैं बेकर यीस्ट, ठीक है, दो प्रकार की होती है, बाद में बात करते हैं 10th चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया विच इज एनर्जी हाउस ऑफ सेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें दो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, दो पोजीशन होती है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पर दो प्रोसेस होती है क्रैब साइकिल और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट सिस्टम, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, तो दो पोजीशन होती है, ठीक है। बात करते हैं मैट्रिक्स, इसके अंदर एक पोजीशन मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कौन सा साइकिल चलती है, क्रैब साइकिल, जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्रैब साइकिल, ठीक है, और दूसरी पोजीशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन,
इसमें क्या होता है, इसमें चलती है ईटीएस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अगेन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, ठीक है। पहले क्रिएशन बताता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, जो पायरेट एसिड होता है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, क्या होता है, कन्वर्ट होता है एसिटाइल एंजाइम ए में, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है बेसिकली, यहाँ पर क्या होता है, CO2 का रिमूवल होता है, यानी जो ये पायरेट एसिड हमने देखा था पिछले वीडियो में, कितनी कार्बन का थी, 3 कार्बन का, ठीक है। यहाँ पर एक डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुई, तो कितने कार्बन का होगी, 2 कार्बन का, ठीक है, एक कार्बन का रिमूवल होगा, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एनएडी प्लस आता है, ठीक है, क्या आता है, एनएडी प्लस, और कन्वर्ट हो जाता है एनएडी एच प्लस एच में, ठीक है। क्या होता है इसका, एनएडी प्लस का रिडक्शन हुआ अगेन, और पायरेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ ऐसे कुछ ए में, ठीक है। जो प्रोसेस चल रही है हमारी पायरेटिक एसिड का कन्वर्जन बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम में, ये किसमें चलती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है, किसमें, मैट्रिक्स में चलती है प्रोसेस, यह लेता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स में चलती है प्रोसेस, जो मैट्रिक्स में, ठीक है, ये जो कन्वर्जन है बेसिकली, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन है पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये कौन सा एंजाइम कराता है, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक एंजाइम कराती है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। और ये जो कन्वर्जन है यहाँ पर क्या होता है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, मैग्नीशियम डाइमेंटाइन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम डाइमेंटाइन जो कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम है हमारे पास, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ही एक कंपाउंड होता है इसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या नाम है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये बेसिकली 4 कार्बन का होता है, ठीक है। यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम में इसे रिएक्ट करता है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है, एक को एंजाइम ए का रिमूवल होता है और वाटर का एडिशन होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। और बेसिकली देखो, ये चार कार्बन का है, और ये कितने कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का, तो कितने कार्बन का सिट्रिक एसिड बनेगा, 6 कार्बन का, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है सिस एक्रोनेटिक एसिड में, ठीक है, किसमें, सिस एक्रोनेटिक एसिड। ये जो कन्वर्जन है एंजाइम का आती है सिस एक्रोनेटिक एंजाइम, ठीक है, सिस एक्रोनेटेस एंजाइम, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन है यहाँ पर एक आयन आता है क्या, Fe2+, इसकी प्रेजेंस में होता है जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब सिस एक्रोनेटिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी कन्वर्जन सेम एंजाइम के द्वारा होता है, किससे, एक्रोनेटेस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एक्रोनेटेस, ठीक है। और आयन भी सेम ही होता है, क्या होता है, आयरन प्लस, Fe2+, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अभी कार्बन कहीं पर भी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं हुई है, तो कार्बन नंबर सेम है, यहाँ पर भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा, ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, CO2 का रिमूवल होता है, तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर CO2 का रिमूवल होता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन क्या आता है, एनएडी प्लस आता है, और फट से रिड्यूस होता है किसमें, एनएडी एच प्लस एच में, ठीक है। यहाँ पर अगेन क्या हुआ, रिडक्शन हुआ एनएडी प्लस का, ऑक्सीडेशन हुआ एसिटिक एसिड का, किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, CO2 का रिमूवल हुआ, तो 6 कार्बन का था, तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो बनेगा कितने कार्बन का बनेगा, 5 कार्बन, ठीक है। और जो कन्वर्जन है बेसिकली किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, किस एंजाइम में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यह जो एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब क्या होता है, देखो देख लिया आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, अभी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अगेन कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है यहाँ पर अगेन, यहाँ पर एक CO2 का रिमूवल होता है, ठीक है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, CO2 का रिंग हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, अगेन NAD प्लस आता है और फट से रिड्यूस होता है NAD H प्लस H में, ठीक है। यानी रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन इसका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का, किसमें सचल में कौन से में कार्बन नंबर डिक्रीज होगा, अगेन पांच कार्बन का है तो कितने कार्बन का हो जाएगा, चार कार्बन का। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हुआ सचल में कौन से ए में, ठीक है। जो कन्वर्जन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जाइम ए आता है ई कन्वर्जन कराने के लिए, ठीक है, ई कन्वर्जन कराने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, सक्सनाइल कॉन्जाइम ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अभी स्टेप बता रहा हूँ, सक्सनाइल कॉन्जाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सनिक एसिड में, सक्सनिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत आता है। यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेप में GTP फॉर्म होती है, क्या क्या चीज, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एनसेटिक लाइन में लिखा हुआ है GTP फॉर्म होती है यहाँ पर, ठीक है। GTP फर्दर कन्वर्ट होती है GTP में, जो तो एनर्जी निकलती है यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में जो भी एनर्जी निकलती है वो क्या करती है, ADP को फट से ATP में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करती है वो एनर्जी, ठीक है। क्या करता है, डाई से ट्राइफॉस्फेट जो इस बॉन्ड में जो एनर्जी रिलीज हुई थी इस बॉन्ड में स्टोर हो जाती है, ठीक है, ADP से ATP में, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, फाइनली क्या हुआ, क्या यहाँ पर क्या हुआ, ATP का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां पर एंजाइम के एंड में काइनेज जरूर आता है, मोस्टली ऐसा देखा गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, सक्सिनिक थायोकाइनेज जो एंजाइम होता है इस कन्वर्जन के लिए, बेसिकली सक्सिनिक थायोकाइनेज, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक FAD प्लस आता है और क्या होता है, FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली FAD प्लस है क्या, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये भी क्या करता है, सेम काम करता है NAD प्लस की तरह, क्या हुआ, रिड्यूस हो गया किसमें, FADH2 में, और ऑक्सीजन किसके कराया, सक्सिनिक एसिड का फ्यूमरिक एसिड में। यहाँ पर ये जो कन्वर्जन बेसिकली एंजाइम की प्रोसेस में होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब देख लिया, फ्यूमरिक एसिड अगेन कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, ये जो कन्वर्जन हुआ यहाँ पर क्या होता है, अगेन यहाँ पर वाटर का एडिशन होता है, जो कन्वर्जन हुआ यहाँ पर क्या होता है, वाटर का एडिशन, क्या हुआ यहाँ पर, वाटर का एडिशन। और जो कन्वर्जन है बेसिकली एक एंजाइम कराती है, उस एंजाइम का नाम क्या है, फ्यूमरेज एंजाइम, फ्यूमरेज एंजाइम क्या करता है, फ्यूमरिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है मैलिक एसिड में, फ्यूमरेज एंजाइम, ठीक है। अब क्या होता है, मैलिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। देखो यहाँ भी चार कार्बन है, कहीं पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं हुई है, तो चार कार्बन है, कार्बन नंबर कहीं रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये भी चार कार्बन का होगा कंपाउंड, ये भी चार कार्बन का होगा और ये भी चार कार्बन का होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैलिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिडिक एसिड के अंदर, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है यहाँ पर भी NAD प्लस आता है और NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, NAD प्लस आया और NADH+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब देखो, हम बेसिकली इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं क्यों है, ठीक है, साइकिल वर्ड साइकिल क्यों आया एंड में, ठीक है। साइकिल बेसिकली हम कहते हैं किस चीज को है, देखो साइकिल उस क्यों कहते हैं, कहीं भी किसी पॉइंट से कोई भी चीज स्टार्ट हो उसका एंड भी उसी पॉइंट पे हो, ठीक है, एंड भी उसी पॉइंट पे उसका जहां स्टार्ट हो रही हो, तो बेसिकली उस चीज को साइकिल कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुई थी किस कंपाउंड से स्टार्ट हुई थी, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड जब ऐड हुआ था एस्टर कॉन्जाइम ए के साथ रिएक्ट किया था बेसिकली, तो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से हुई थी, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड से, एंड कहां हो रही है, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड जो कंपाउंड से स्टार्ट हुई थी वो कंपाउंड बाद में रिफॉर्म भी हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। हाँ, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, यहाँ पर देखो, ये जो सिट्रिक एसिड जो बनता है ना, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो कि 6 कार्बन का होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, किसे, क्रेब्स साइकिल को, इसे को नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रेड पेंसिल लिख दो, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है।
इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड नेम इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, देख लिया। अब देखो, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस, उसका की प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पर ये पाइरुविक एसिड उसका की प्रोडक्ट था। ठीक है, और पाइरुविक एसिड अगेन कन्वर्ट हुआ है एसएल कंजम्पशन में, फिर क्रैब्स साइकिल चली। तो ऐसे लिंक फॉर्म कर रहा है दोनों रिएक्शन, दोनों साइकिल के अंदर, क्रैब्स साइकिल के अंदर और इसमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। हमने पिछले क्लास में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, ठीक है, तो उससे पाइरुविक एसिड बना था। अब पाइरुविक एसिड बना, ठीक है, फिर वो एसएल कंजम्पशन में कन्वर्ट हुआ, फिर ये क्रैब्स साइकिल चली। तो दोनों साइकिल के बीच में एक लिंक फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए साइकिल में क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। इस रिएक्शन को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन। किसके अंदर होती है लिंक रिएक्शन, मैट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कितने एनएडी प्लस का यहाँ पर यूज हुआ, कितने एफएडीएच को यूज हुआ, कितनी एटीपी फॉर्म हुई यहाँ पर। देखो बेसिकली देखा जाए कितने एटीपी, यहाँ पर एक एनएडी प्लस आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ठीक है एक आ गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर दूसरा आ गया, ठीक है, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया, चार एनएडी प्लस का यूज हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितने एफईडी प्लस का, कहीं पर एफईडी प्लस दिख रहा है, खाली यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये एफईडी प्लस, ठीक है, ठीक है। और एटीपी कितनी फॉर्म हो रही है, 180 कितने एसिड, कितने पाइरुविक एसिड से, एक मोलिक्यूल पाइरुविक एसिड की बात चल रही है, ठीक है। तो कितने एटीपी फॉर्म हो रही है, एक एटीपी। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट टाइम किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।